बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द एंड बुली। इस कहानी की शुरुआत में 10 साल के लड़के लूकस को दिखाया जाता है, जिसे स्टीव और उसके दोस्त परेशान कर रहे होते हैं। दरअसल स्टीव और उसके दोस्त हमेशा लूकस को परेशान करते हैं और वो चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाता। लूकस इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसीलिए वो तय करता है कि अपना गुस्सा वो चींटियों पर उतारेगा जो कि उससे बहुत छोटी है। उसी के गार्डन में एक एंट हिल होती है जहां पर बहुत सारी एंट्स अपना काम कर रही होती हैं। लूकस वहां पर अपनी वाटर गन लेकर पहुंच जाता और एंट्स के ऊपर हमला करता है। सारी एंट्स अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगती है। इन्हीं एंट्स में एक एंट होती है जिसका नाम होवा है, जो की एक नर्स है। वो लूकस से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लूकस इतनी ऊपर से उसकी बात नहीं सुन सकता। होवा के पास एक दूसरा एंट आ जाता है जिसका नाम जॉक है, ये एक जादूगर है। ये दोनों के दोनों लूकस से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी लूकस एक लात मारकर इनकी एंट हिल को तोड़ देता है और इसके बाद वो होवा के ऊपर भी पैर रखने वाला होता है कि तभी उसकी मॉम उसे आवाज दे देती है, जिससे लूकस यहां से चला जाता है और होवा और जॉक की जान बच जाती है। लूकस जब घर के अंदर जाता है तो बहुत ज्यादा उदास होता है, वो अपनी गेम खेल रहा होता है। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, घर पर तुम्हें अपनी बहन के साथ रहना होगा। हालांकि लूकस अपने घर पर अकेला नहीं रहना चाहता लेकिन अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपनी मम्मी से गुस्से में बात करता और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। वहीं दूसरी तरफ हमें एंट कॉलोनी को दिखाया जाता है जहां पर जॉक एक ऐसी दवा बना रहा है जिस दवा से वो किसी भी इंसान को छोटा कर सकता है। दरअसल वो इंसानों को छोटा करके उनसे लड़ना चाहता है, उनको हराना चाहता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो होवा होती है वो इंसानों के प्रति बहुत फैसिनेटेड होती है, वो ऐसा नहीं चाहती बल्कि वो इंसानों के साथ अच्छे रिश्ते चाहती है। वहीं लूकस अपने घर के बाहर खड़ा होता है तभी वहां पर स्टीव अपने दोस्तों के साथ आ जाता है जो हमेशा लूकस को परेशान करता है। वो उसकी तरफ एक पटाखा फेंकता है जिससे लूकस गिर जाता है। हालांकि पटाखा अपने आप ही बुझ जाता है लेकिन अब लूकस के हाथ में कुछ एंट्स चढ़ जाती हैं जिससे उसे गुस्सा आता है और एक बार फिर से वो अपनी वाटर गन से एंट हिल के ऊपर पानी डालता है जिससे पानी एंट कॉलोनी के अंदर चला जाता है। इसमें कई चींटियां जख्मी हो जाती है और अब जॉक और होवा किसी तरह से वहां से बाहर निकलते हैं और सबकी सब एंट तय करती है कि लूकस को सबक सिखाना होगा। जॉक ने जो सीरम बनाया होता है जिससे किसी भी इंसान को छोटा किया जा सकता है, वो सीरम को लेकर ये लूकस के घर के अंदर जाते हैं और उस सीरम को सोते हुए लूकस के कान के अंदर डाल देते हैं। अब जब सुबह लूकस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी जो बेडशीट है उसके सामने बहुत बड़ी है और तभी बहुत सारी एंट्स आती है और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। यहाँ पर लूकस की दादी भी होती है जिन्हें जमीन पर कुछ अजीब सी चीजें दिखती है और जब वो अपनी दूरबीन और टॉर्च से जमीन पर देखती है तो वो देखती है कि चींटियां उनके पोते लूकस को अपने साथ ले जा रही हैं, जो देखकर वो बेहोश हो जाती है। और अब लूकस को एंट कॉलोनी के अंदर ले जाया जाता है, उसे रानी के सामने पेश किया जाता है और बताया जाता है कि यही वो दोषी है जिसने हमारी एंट कॉलोनी के अंदर पानी डाला था, ये हमेशा एंट्स को परेशान करता है। रानी लूकस को सजा सुनाती है कि उसे यहाँ पर एक चींटी की तरह रहना होगा और वो सब काम करने होंगे जो चींटियां करती हैं। और जॉक इस सजा से सेटिस्फाइड नहीं होता, वो चाहता है कि लूकस को मारकर खा लिया जाए लेकिन चींटियों के ये रूल नहीं होते। तभी जॉक की गर्लफ्रेंड होवा यहाँ पर आ जाती है और वो क्वीन से कहती है कि मैं लूकस को सब कुछ सिखाऊंगी, कैसे चींटियों के तौर तरीके होते हैं, कैसे वो काम करते हैं। दरअसल यहाँ पर लूकस को हार्ड वर्क की सजा मिली होती है। हालांकि लूकस यहाँ से भागना चाहता है लेकिन होवा उसे समझाती है कि जब तक तुम अपनी सजा पूरी नहीं करोगे, चींटियों के तौर तरीके नहीं सीखोगे, तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। लूकस भी होवा की बात समझ जाता है। लूकस को पता चलता है कि यहाँ पर जितनी भी एंड्स है उन्हें काम के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा गया है और जिस ग्रुप का हिस्सा उसे बनाया जाता है उसका काम होता है खाना इकट्ठा करना, जिसमें लूकस को बहुत तकलीफ होती है। वो एक जगह से कूदता भी है लेकिन नीचे गिर जाता और एक लकड़ी पर अटक जाता है। वो खाना तो इकट्ठा कर लेता है लेकिन उसकी वजह से उसका ग्रुप लास्ट आता है, जिस वजह से सबकी सब चींटियां बहुत दुखी होती हैं। वहीं हुआ जो उसे ट्रेनिंग दे रही होती है उससे लूकस नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बहुत गलत जगह फंसा दिया, मैं यहां से निकलना चाहता हूं। हुआ उसे समझाती है कि तुम्हें एक चींटी बनकर सोचना होगा। वो कहता है कि हां, मैं अपने काम बहुत ही जल्दी अच्छे से करना शुरू कर दूंगा। और तभी कुछ उड़ने वाले इंसेक्ट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। हालांकि हुआ लूकस को एक जगह छुपा देती है लेकिन एक इंसेक्ट उसे देख लेता है और अब लूकस उसी पटाखे के ऊपर है जो उसके साथियों ने उसे बुली करने के लिए उस पर छोड़ा था, जो जला नहीं था। और जब वो इंसेक्ट उस पर हमला करता है तो उसके डंक के स्पार्क से वो पटाखा एक बार फिर से जल जाता है और एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे वो इंसेक्ट मारा जाता है। और जब उसके साथी ये देखते हैं तो वो चींटियों को छोड़कर यहां से भाग जाते हैं। अब सभी चींटियां लूकस के पास आती है और उसे अपने
अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन तभी यहाँ पर जॉक भी आ जाता है। वो कहता है कि ये सब एक इत्तेफाक था, ये हमें बचाना नहीं बल्कि मारना चाहता है, इसने हमेशा हमें परेशान किया है। लेकिन चीटिया कहीं ना कहीं उससे अब इम्प्रेस हो चुकी है और इसके बाद हुआ उसे एंट कॉलोनी दिखाने के लिए ले जाती है, जहां पर वो उसे एक बहुत बड़ी तस्वीर दिखाती है और बताती है कि ये हमारी गॉडेस है, हम इन पर बहुत विश्वास करते हैं, ये हमेशा हमारी रक्षा करती है। यहाँ पर एक इंसान की फोटो भी होती है। हुआ लूकस को बताती है कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये हमेशा स्प्रे करके कई एंट्स को मार देता है। और जब लूकस उस तस्वीर को ध्यान से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि ये वही इंसान है जो घास को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर स्प्रे करता है। और अब लूकस को लगता है कि चींटियां इस इंसान को भी छोटा करके उसे मार देंगी, इसीलिए वो उसकी जान बचाने के लिए यहां से भागता है, लेकिन चींटियां उसे रोक लेती है। लूकस के दिमाग में एक आइडिया आता और कहता है कि मेरे घर पर बहुत सारी अच्छी अच्छी जेलीज हैं, मैं तुम्हें वो जेलीज दिला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें घर पर जाना होगा। जेली की बात सुनकर हुआ और उसकी दोनों दोस्तों को लालच आ जाता है और ये चारों के चारों लूकस के घर पहुंच जाते हैं। लूकस टेलीफोन के पास जाता है और उस आदमी को कॉल करने की कोशिश करता है जो स्प्रे करता है ताकि उसे आगाह कर सके, लेकिन वो सही नंबर डायल नहीं कर पाता। वही हुआ और उसकी दोस्त जेली खा रही होती है और तभी यहाँ पर लूकस की सिस्टर आ जाती है जो इन एंट्स को देख लेती है और वो फोन उठाकर उस पर हमला करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर ग्रैंड मदर आ जाती है, जिन्हें पता है कि लूकस एंट्स के कब्जे में है, इसीलिए वो अपनी पोती का हाथ पकड़ लेती है। मौके का फायदा उठाकर सबकी सब एंट्स सिंक के पाइप से नीचे चली जाती है। इसके बाद लूकस और तीनों की तीनों एंट्स वापस कॉलोनी के पास आ जाती है जहाँ पर जॉक भी होता है। और जब हो और उसके साथ यहाँ से चली जाती है, जॉक लूकस से कहता है कि आज तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड हुआ की जान जाने वाली थी, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता और अब मैं तुम्हें कभी एंटीडॉट नहीं दूंगा, जिसका मतलब ये है कि वापस वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। लूकस से सुनकर उदास हो जाता है और एक झील के किनारे बैठ जाता और तभी वहां से एक मेंढक निकलता है जो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। हुआ और जॉक ने भी ये देख लिया होता है। हुआ को ये देखकर बहुत बुरा लगता है और वो जॉक से कहती है कि तुम्हें उसे बचाना होगा, तुम्हें इतने सारे जादू आते, तुम कुछ करो। इसके बाद जॉक मेंढक के सामने जाता और कहता है कि तुम मुझे खा जाओ। मेंढक उसे भी निगल जाता है और जब वो उसके पेट के अंदर जाता है तो देखता है कि वहां पर लूकस के साथ और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं। इसके बाद जॉक उसके पेट में एक ऐसा सीरम डाल देता है जिससे मेंढक को उल्टी आती है और सबके सब बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से जॉक उसकी जान बचा लेता है। अभी सबके सब मेंढक से भाग रहे होते हैं और तभी लूकस जॉक से कहता है कि मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। इसके बाद एक जगह बैठ जाते हैं और लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है। वो जॉक से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि चींटियों के अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनका भी परिवार, उनका भी घर होता है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी तुम्हारी कॉलोनी के अंदर पानी नहीं फेंकता, मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। जॉक भी उसे माफ कर देता है। और अगली सुबह इनके सामने सबसे बड़ी मुसीबत आ जाती है, यानी कि वो स्प्रे मैन यहाँ पर आ चुका है जो इनके ऊपर स्प्रे करके इन सबको मारने वाला है। ये देखकर सारी की सारी चींटियां घबरा जाती है। लूकस भी उसे रोकना चाहता है लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसे कैसे रोक सकता है। अब सभी चींटियां तय करती है कि इसे भी वो सीरम दे दिया जाएगा जो लूकस को दिया गया था, ताकि ये भी छोटा हो जाए। लूकस भी इस बात के लिए अग्री होता है, लेकिन इसे सीरम देना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये खड़ा है और इसके कान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। लूकस कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है और उस जॉक को लेकर उन्हीं फ्लाइंग इंसेक्ट्स के पास जाता है जिन्होंने इनके ऊपर पहले हमला किया था। लूकस को देखकर सबके सब फ्लाइंग इंसेक्ट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने इनके एक साथी को मारा था। लूकस इन सबको समझाता है कि वो सिर्फ एक हादसा था, आपने हमारे ऊपर अटैक किया था और हम अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फ्लाइंग इंसेक्ट्स उसकी बात नहीं मानते। और तभी फ्लाइंग इंसेक्ट्स का एक साथी यहाँ पर जख्मी हालत पर गिरता है जिसकी आंखों में स्प्रे चला गया था जो कि उसी आदमी ने डाला था जो यहाँ पर स्प्रे करने के लिए आया है। लूकस उस फ्लाइंग इंसेक्ट की मदद करता है जिसके बाद यहाँ पर जितने भी फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं वो लूकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद लूकस, जॉक और उसके कुछ साथी उन फ्लाइंग इंसेक्ट्स के ऊपर उस आदमी के कान के पास जाते हैं और सीरम कान के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसने अपने कान में हेडफोन्स लगा रखे होते हैं इसीलिए सीरम उसके कान के अंदर नहीं जा सकता। उस आदमी के आसपास जब फ्लाइंग इंसेक्ट्स होते हैं तो वो अपना हाथ घुमाता है जिससे कई फ्लाइंग इंसेक्ट्स नीचे गिर जाते हैं और लूकस भी उसके बालों के अंदर जाकर गिर जाता है। वो देखता है कि उसके सिर पर जुए हैं जो लूकस पर अटैक करती है। लूकस अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूद जाता है और उसकी नाक के बाल को पकड़कर लटक जाता है जिससे उस आदमी को छींक आती है और लूकस नीचे जमीन पर गिरता है। लूकस देखता है कि नीचे हुआ एक फ्लाइंग इंसेक्ट के नीचे दबी हुई है। वो उसे बाहर निकालता है और उस फ्लाइंग
फ्लाइंग इंसेक्ट की जान भी बचाता है। वहीं बहुत सारे इंसेक्ट अब उस आदमी के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे की तरफ आगे की तरफ झुकता है और पीछे से वो उसकी बॉडी के अंदर सीरम डाल देते हैं, जिससे वो इंसान छोटा हो जाता है। और अब सबके सब फ्लाइंग इंसेक्ट्स और एंट्स उस पर हमला कर देती है, जिससे वो यहाँ से भाग जाता है। लूकस ने यहाँ पर कई सारे एंट्स की और फ्लाइंग इंसेक्ट्स की जान बचा ली होती है, इसीलिए लूकस को क्वीन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर क्वीन को बताया जाता है कि किस तरह से लूकस ने सबकी जान बचाई। और यहाँ पर लूकस को एक हीरो का खिताब दिया जाता है, साथ ही उसका नाम रोकी रखा जाता है। जॉक उसे वो एंटीडॉट भी दे देता है, जिसे पीकर वो वापस अपने नॉर्मल साइज में आ सकता है। सबकी सब एंट्स उसे कहती है कि हम हमेशा तुम्हें याद रखेंगे और हमें हमेशा जेली देते रहना, क्योंकि तुम्हारे घर में जो जेलीज हैं वो बहुत ही टेस्टी हैं। लूकस इसके बाद बाहर आ जाता और एंटीडॉट पीकर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। उसके माता पिता भी अब वापस आ चुके हैं। वो अपनी मॉम से बहुत नाराज होता है, लेकिन एंट्स के साथ रहने के बाद उसे परिवार के बारे में, प्यार के बारे में एहसास होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम के गले लग जाता है। अगले दिन यहाँ पर स्टीव और उसके दोस्त आते हैं, जो हमेशा उसे परेशान किया करते थे, हमेशा वो उनसे डरा करता था, लेकिन अब वो उनसे डरता नहीं है, बल्कि उनके सामने खड़ा रहता है और उन्हें समझाता है कि हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, दोस्त बनकर रहना चाहिए, आपस में लड़ने से कोई भी फायदा नहीं है। दरअसल ये सारी की सारी बातें उसे होवा ने सिखाई थी, और अब स्टीव और उसके दोस्तों को भी ये बात समझ में आ जाती है और वो लूकस से दोस्ती कर लेते हैं। अभी सबके सब खेलने जा रहे होते हैं, लेकिन खेलने जाने से पहले लूकस एंट कॉलोनी के ऊपर वही जेलीज गिराता है, जो एंट्स को बहुत ज्यादा पसंद है, और अब उनके पास बहुत सारा खाना भी स्टोर हो चुका है, जिसकी हमेशा एंट्स को जरूरत थी। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2006 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।